उत्तर प्रदेश की हॉट सीट माने जाने वाली सीट और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली लोकसभा सीट रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। केसरगंज लोकसभा से टिकट का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश को चौंका दिया है और साथ ही साथ दिल्ली को भी। बेटा जो है वो डमी का रोल निभाएगा, बाकी जो पूरी सत्ता है उस पर पकड़ ब्रजभूषण चरण सिंह की हो गई। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज भारत एट नाइन में उन दो सीटों की हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जो बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति के लिहाज से। पहली सीट रायबरेली, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है हमेशा से ही, लेकिन यहां से अब तक इस बार कोई भी चेहरा कांग्रेस का सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने अपना चेहरा उतार दिया है। और साथ ही साथ बात करेंगे केसरगंज सीट की। केसरगंज से भी उम्मीदें जो जताई जा रही थी उसके विपरीत ही बीजेपी ने फैसला लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की हॉट सीट माने जाने वाली सीट और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली लोकसभा सीट रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने रायबरेली सीट से यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह यूपी सरकार में मौजूदा कृषि विपणन और उद्यान मंत्री हैं। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन साल 2018 में वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में रहते हुए दिनेश प्रताप सिंह पहली बार साल 2010 में विधान परिषद के सदस्य बने थे, फिर साल 2016 में भी वो कांग्रेस से ही विधान परिषद सदस्य बने। वही कांग्रेस छोड़ने के बाद दिनेश प्रताप सिंह साल 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर आए। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार जरूर मिली थी। रायबरेली के जिला पंचायत चुनावों में भी बीजेपी को जीत दिलाने में दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा हाथ माना जाता है। वो अपने क्षेत्र में अलग पहचान रखते हैं और उन्होंने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के लिए भी 1.21 करोड़ की धनराशि दी थी। इसे लेकर वो काफी चर्चा में आए थे। 56 साल के दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी पढ़ाई रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलेज से की और उन्हें कानपुर यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। आपको बता दें कि रायबरेली से फिर से टिकट मिलने पर दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया हूं, मैंने चांदी के चम्मच से सोने की कटोरी में खाना नहीं खाया, मैं गांव से जुड़ा आदमी हूं। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि इस बार रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। बाद में आपको बता दें कि रायबरेली सीट पर पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। इस सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। माना तो यह जा रहा है कि इस सीट से प्रियंका गांधी के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा इस पर नहीं हुई है। अब देखना यह है कि रायबरेली में बीजेपी के बाद क्या कांग्रेस भी ऐलान आज कर सकती है, क्योंकि 48 घंटे का समय मांगा गया था और कहीं ना कहीं अब समय कम बचा हुआ है। उधर मैं केसरगंज की बात करूं तो केसरगंज लोकसभा से टिकट का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश को चौंका दिया है और साथ ही साथ दिल्ली को भी। बीजेपी ने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट उनके बेटे करण ब्रजभूषण सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। पहलवान प्रोटेस्ट के बाद से अटकलें जारी थी कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है। गौरतलब है कि उनके ऊपर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। लोकसभा चुनाव 2019 में केसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुल 5,81,358 वोट हासिल किए थे। उनके सामने बसपा उम्मीदवार चंद्रदेव राम यादव को कुल 3,19,757 वोट मिले थे। करण भूषण सिंह केसरगंज सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल करने वाले भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के छोटे बेटे हैं। केसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण का मुकाबला बसपा के प्रत्याशी नरेंद्र पांडे से होगा। सपा से अभी तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। करण ब्रजभूषण के बारे में बता दें कि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इससे पहले करण यूपी कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। पहलवानों के प्रोटेस्ट के दौरान भी करण काफी सुर्खियों में आए थे। कारण गोंडा के नवाबगंज में सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष भी हैं। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में केसरगंज में 20 मई को मतदान होना है। केसरगंज से करण भूषण मई को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज लोकसभा सीट से पिछले 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर उनकी जगह कोई और आता है तो क्या वो
जीत हासिल कर पाएगा केसरगंज में, लेकिन बीजेपी ने ऐसा पत्ता फेंका कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत यहां भी तय मानी जा रही है। इन चुनावों में वो दो और बीजेपी और एक बार सपा के टिकट पर जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बिजभूषण शरण सिंह ने करीब 2.5 लाख वोटों के अंदर से बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रदेव रामदेव को हराया था। बीजेपी ने आखिरकार बिजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर इसके लिए पार्टी पर भारी दबाव भी था, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने बिजभूषण के बेटे करण सिंह को टिकट देकर कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि बीजेपी दोहरी चाल चल रही है। अब सवाल ये कि तो क्या बीजेपी भारी दबाव के आगे झुक गई, या फिर ये एक तीर से दो निशाने साधने की उसकी कोशिश है। समझा जाता है कि बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया, और इसके साथ ही पार्टी ने बिजभूषण के बेटे को टिकट देकर उनको शांत करने की कोशिश की। ये वही बिजभूषण शरण सिंह है जो पहले कभी चुनौती दे रहे थे कि कौन काटेगा मेरा टिकट, काट पाओ तो काट लेना। मीडिया खबरों की माने तो बिजभूषण आखिरी समय तक टिकट के जुगाड़ में लगे रहे थे। क्या बिजभूषण शरण सिंह का मामला बीजेपी के लिए भी एक परीक्षा थी? ये परीक्षा उसकी ही कसौटी थी? बीजेपी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा का दम भरती रहती है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था कि केसरगंज से कर्नाटक और नाव से उत्तराखंड तक बेटियों के गुनाहगारों को प्रधानमंत्री का मुख समर्थन देश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा इसलिए भी थी कि बृजभूषण शरण सिंह का केस कोई सामान्य मामला नहीं था। करीब एक दशक तक भारतीय कुश्ती संघ महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण पर 6 महिला पहलवानों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसे शीर्ष भारतीय पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन किया था। पहलवानों के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बृजभूषण को 20 जुलाई 2023 को जमानत दे दी गई थी। सितंबर महीने में दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा था कि आरोपी बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों को यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। महिला पहलवानों द्वारा दिल्ली में दर्ज कराई गई FIR में ऐसा ही यौन उत्पीड़न की शिकायतें की गई थी। एक पीड़ित पहलवान की शिकायत में कहा गया था कि जिस दिन महिला पहलवान ने एक प्रमुख चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया, जबरन अपने बिस्तर पर बैठाया और सहमति के बिना उसे जबरदस्ती गले लगा लिया। इसमें कहा गया है कि इसके बाद भी वर्षों तक यौन उत्पीड़न के निरंतर कृत्य और बार बार गंदी हरकत करते रहते थे। दूसरी महिला पहलवानों ने तब यौन उत्पीड़न और दुराचार के कई घटनाओं में छेड़छाड़, गलत तरीके से छूना, शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया। आरोप ये था कि इस तरह के यौन उत्पीड़न टूर्नामेंट के दौरान वार्म अप और यहाँ तक कि नई दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के कार्यालय में भी किया गया। उन्होंने कहा कि जाँच के बहाने उनकी छाती और नाभि को गलत तरीके से टच किया गया था। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरोप तय करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। तो खूब छीछा लेदर यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की हुई थी और कहीं ना कहीं चुनाव से उन्हें दूर कर दिया था, लेकिन उनके करीबी संजय कुमार अध्यक्ष चुनाव जीत गए थे, ये WFI के अध्यक्ष बने। बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई इतना आसान भी नहीं रही। बड़ी मुश्किल से कोर्ट के हस्तक्षेप से FIR दर्ज हो पाई। उनको उनकी पार्टी से निकाला तक नहीं गया है। बृजभूषण ने चुनाव लड़ने की घोषणा तब भी की थी जब उनके खिलाफ महिला पहलवानों का प्रदर्शन चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी भारी दबाव में है। एक समय पूरे देश को झकझोर देने वाली महिला पहलवानों के ऐसे आरोपों का सामना कर रहे बृजभूषण शरण सिंह को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सितंबर महीने में उनके लगातार उन्हें पत्रकारों के सवालों पर चीखते चिल्लाते देखा गया था और कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया था कि उनका टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। उन्होंने कहा था कौन काटेगा टिकट, उसका नाम बताओ, काटोगे आप, काट पाओगे तो काट लेना। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन अगर आप पूरी इस सिचुएशन को समझे तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। बेटे को टिकट देना, जिस पर साक्षी मलिक कह रही हैं कि ये सिर्फ एक डमी वाला सीन होगा, बेटा जो है वो डमी का रोल निभाएगा, बाकी जो पूरी सत्ता है उस पर पकड़ बृजभूषण शरण सिंह की हो गई, तो नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। दूसरी तरफ RLD कहीं ना कहीं से खुश है। RLD का कहना है कि बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा किया है, लेकिन महिला पहलवानों को क्या इंसाफ मिल गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।